हेलो फ्रेंड, मैं आज एक कटिंग टूल के बारे में बात करता हूँ जो हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। ये एक हमारा एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसके द्वारा हम मेटल की कटिंग करते हैं। एक्सा ब्लेड के दो पार्ट होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। पहले मैं बात करता हूँ फ्रेम की। जो इसका फ्रेम होता है वो जो ये इसका फ्रेम है वो सी आकार का होता है और माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसमें एक विंग नट लगा हुआ होता है इसके फ्रेम में और एक हैंडल लगा हुआ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेम। तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एडजस्टेबल और फिक्स्ड। पहले मैं बात करता हूँ फिक्स्ड या सॉलिड हेक्सा की। जो सॉलिड हेक्सा होता है उसमें केवल एक निश्चित आकार, निश्चित साइज का ही हम ब्लेड प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नंबर दो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है उसमें हम छोटे बड़े आकार के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, ब्लेड की। जो इसका ब्लेड है वो हमारा स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील आदि धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करते हैं, जो इसमें दो सुराख होते हैं उनके सेंटर से इसकी लंबाई ली जाती है, यानी एक सुराख के सेंटर से दूसरे सुराख के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ ब्लेड उसे हम बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, जिसकी चौड़ाई ओवरऑल ली जाती है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई हम ओवरऑल लेते हैं। बात इसके दांतों की करते हैं, ये इसके दांत हैं। दांतों की बात अगर हम करें तो इसमें जो दांतों की संख्या होती है वो 8 से 18 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 सेंटीमीटर में 8 से 18 दांतों की संख्या होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हेक्सा ब्लेड। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।